Until March passed. अगुवाई कर रहे हैं सीएनसी ग्रुप और आज के आदर्श विद्यार्थी आप सभी माता पिता अभिभावकों को नवीन नामांकन से संबंधित आपके लिए सूचना है। वर्ग सातवीं में प्रथम प्रवेश की नवीन नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-23 के निमित्त आवेदन पत्र जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से आवेदन पत्र का वितरण विद्यालय कार्यालय से किया जाएगा और साथ ही एक और सूचना है, कॉलेज के सभी संकायों में प्रथम प्रवेश के लिए आवेदन मैट्रिक की परीक्षा के तुरंत बाद यह आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय से वितरित किए जाएंगे। अंतिम परेड लेकिन सही चूज उसी उमंग के साथ में कदम से कदम मिलाते हमारी सेंट जेवियर्स के विद्यार्थी। हम लोग पहचान नहीं पा रहे बट मिलाया नहीं होगा, अभी तो प्लस टू में निकला ही नहीं है। वो लड़का लोग प्लस टू में सब पता खाली प्लान पाया हाँ लेकिन ना सबको मिला मिला दे रहे हैं। उधर उधर वाला सब निकला ही नहीं है, वो ना सर पूरा पीछे हो गया। हमारे विद्यालय में रेगुलर क्लासेस के साथ में NIOS भी चलाया जाता है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसके माध्यम से आठवीं पास या मैट्रिक अनुत्तीर्ण छात्र छात्राएं आसानी से मैट्रिक परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा केंद्र से संचालित होता है। इच्छुक विद्यार्थी विद्यालय
संपर्क कर सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान। ऐसे छात्र छात्राएं जो आठवीं पास है पर मैट्रिक में अनुत्तीर्ण है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा मैट्रिक में पास हो सकते हैं। आप इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे विद्यालय में आके संपर्क करें। मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई हो गया। अभी प्लस टू का है एक साल यहाँ सही से करके वाई बैठ है इधर प्लस टू कुछ अल्फा उधर दांत दिखा दिखा के यहाँ सर आगे वाला टू आगे में कॉमेडी चल रहा है क्या करें मजा आता है।